स्वागत है आपका बद्रीनाथ धाम में। नारायण नारायण। वीडियो ना ऐसे में बनाता है, मतलब जैसे सभी मेरी YouTube फैमिली को एक बार नमस्कार। और दोस्तों, जैसे कि मैं बद्रीनाथ पहुंच चुका हूं, तो सभी YouTube फैमिली और भाई बहनों को जय बद्री विशाल। और दोस्तों, जैसे कि कल ठीक 3:30 बजे बद्रीनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं, तो थोड़ी ही देर में मैं आप लोगों को बद्रीनाथ के दर्शन करवाने वाला हूं। और कल जैसे कि डोली उठेगी तो वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और सबसे पहली वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है, तो दोस्तों प्रवर वीडियो बने रहे। और जैसे कि आप बद्रीनाथ के नज़ारे देख सकते हो, मेरे ठीक पीछे पहाड़ देख सकते हो, काफी सुंदर दृश्य, अपने उत्तराखंड की वादियां ही कुछ अलग है। मुझे याद रहा है नाम क्या तेरा छोटू, फेमस हो जाएगा भाई तू। क्या? रोहित। रोहित पूरा नाम क्या? रोहित ही है बस। अच्छा रोहित ही है, तो बर्फबारी कल हुई थी यहाँ पे? हाँ। आज नहीं होगी? अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे यूट्यूबर भाई लोगों मिल के चुके हैं आपका बद्रीनाथ धाम में फ्रॉम धूलिया ब्लॉक से। मेरा नाम अमित नेगी, गांव का नाम तो आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ, इतना तो पता होगा। हमारे साथ जुड़े हुए चमोली से भी भाई लोग। ये भाई हमारे फोटोग्राफर है, ये भाई हमारे ब्लॉगर है, कोटद्वार से आ रखे। बड़ा फोन किया इन्होंने, मैंने इनको मना कर दिया था। बड़ा अचानक बोलता कि भाई बद्रीनाथ आना है और मिलना जरूर है भाई से मिलने। और मैंने बोला कि बद्रीनारायण के शरण में मैंने जरूर आना, यहाँ पे दोबारा मुलाकात करेंगे। भाई तो पहले से ज्यादा चमक गए यार, हम तो और बेकार हो गए। भाई चमक रहे हैं, भाई चमक रहे हैं, और भाई भी सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। भाई के जल्दी से जल्दी 100K सब्सक्राइबर पूरे करवाओ, और अमित नेगी ब्लॉग्स को फुल सपोर्ट करते रहो, मचाते रहो, वही मचाते रहो। अपने लिए भी तो बोलो यार कुछ, अपने लिए अब नहीं चैनल है क्या बोलेंगे अपने लिए। मैं क्या हूँ यार, आराम से। बाकी यार ये जो इनका सेटअप है बहुत भारी है, मेरा हाथ और नीचे होते जा रहा है अभी धीरे धीरे, मतलब सेटअप अभी। अरे ये माइक नहीं, इसका बहुत भारी होता है माइक नहीं, इनके पास ट्राइपॉड है ना, ये बहुत भारी है। और आज कैसा लगा, मतलब दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा यार, मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं तो सोच रहा हूँ यार, हम आसपास के रहने वाले बहुत कम आते हैं, जबकि बाहर के रहने वाले बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। और मम्मी बहन लोग कैसे? सब बढ़िया। आप बढ़िया भाई है, अगली बार उनको लेके भी आऊंगा यार, मस्त लग रहा है। तुमने पार्टी नहीं कराया मेरे को, ले आया था मैंने पार्टी, आया था पार्टी 1 लाख पे तुमने बोला तो अभी आ रहा हूँ। मैंने एक को बोला था 2000 पे पार्टी दूंगा, वो अचानक ही 10 हो गए मेरे, मैं तो डेली परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने 1 लाख बोल दिया। बाकी मुद्दे तो रूम में पहुंच के बताइए, निकाले हम भर्ती गए हैं। सही बात है भाई, मुद्दे ढंग से रूम में पहुंच। बाकी आने वाले भर्ती वाले भाई लोगों को बोलना चाहेंगे, भर्ती की उम्मीद छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ अपना खुद का, अपना खुद यार, मतलब बोलना ही यही है। 100% वासी सर्टिफिकेट वाला, सही सही सही, वो बंदे को देख के लगता है कि ये सारी चीजें हाँ यार देखने लाइन में। ये सारे भाई लोग ना, सारे बंदे लोग इतनी भाई लोग भी जाए ना आर्मी के लिए। हम तो चलो, हम तो टाइम पास ही करने के लिए गए थे, हम अपने कुछ नहीं बोलेंगे। एक टाइम पास नहीं करने के लिए मेरा एक्सपीरियंस आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बाकी मैं सरकार को गाली देता रहता हूँ, आगे भी देता रहूंगा। आज इस चैनल पे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ मैं बताना। बाकी ये अंकित भाई का चैनल है, ये देखो यार, मतलब इतना फोन भारी नहीं है जितना ये सब चीज मिला के, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। भाई का जो सेटअप है बड़ा गजब का यार, ऊपर से वो भी लगा रखा है, क्या बोलते हो माइक टाइप का, टाइप माइक लगा रखा है, वो उल्टा लगा रखा है यार। भाई वीडियो ना ऐसे में बनाता है, मतलब जैसे तो ऐसा है कि देखो अमित नेगी ब्लॉग्स की जो कैप है, मेरे को भाई बहुत यार बस। अबे यार बाल कट को निकाल लूंगा, तो मैं अभी नहा धो के आया हूँ भाई ना। अच्छा एकदम से तुम तो यार हीरो बनने वाले हैंडसम। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल सुबह मैं आपको बहुत ढंग से दिखाऊंगा डोली जाने वाली है। हमारे साथ अभी अभी कोटद्वार से एक भाई मिले हैं, अंकित धूलिया ब्लॉग्स, ये मेरे को पहले से ही जानते हैं, भर्ती में मिले थे वहाँ पे। बाकी उनका चैनल भी जरूर देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इनकी वीडियो भी लाइक करें। उनकी वीडियो यहाँ पे बन रही है, मैं बना रहा हूँ भाई ये। बाकी इनका सेटअप देखो यार, ऐसा सेटअप मुझे भी चाहिए यार अपनी लाइफ में ना। बाकी मैं सोच रहा हूँ ये माइक मुझे गिफ्ट दे दे,
बाकी नेक्स्ट टाइम इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी माइक गिफ्ट करेंगे। आने वाले टाइम में ये भी सुपरस्टार बनने वाले हैं, हम तो भले है नहीं, बाकी यहाँ सारे आने वाले सुपरस्टार हमारे सामने खड़े हैं और ब्लॉगर्स भी सारे सामने खड़े हैं। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, यही बोलूंगा हमारे पंकु भाई बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, एक वीडियोग्राफर है। हम पंकु भाई से निवेदन करेंगे कि जल्द से आप एक कैमरा लीजिए और शादी में खूब धमाल मचाइए, आपको शादी में काम करना है, ठीक है। अरे अरे यार फोन फोड़ दिया, नुकसान चलो गाइस फोन भी गिर गया है। अरे गाइस कोई नहीं, किसका है तुम्हारा फोन? अच्छा मैंने बोला दोस्तों आज अरे कोई नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाबा के बारे में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, उन सब के लिए मैं रूढ़ी खिलाऊंगा जरा। और कल जैसे कि डोली कितने बजे? देखो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरा चार्ज खत्म होने वाला है। डोली कितने बजे निकलेगी यहाँ से? कबाड़ बंद हो गए 3-4 बजे, मतलब 3:30 के आसपास है डोली बंद हो गया यार फोन। 3:30 के आसपास है डोली बंद, 3:15। ये लो सब निकाल, ये लो क्या है? तो भाई सब सभी लोग यहाँ पे रोटी बड़ी खा रहे हैं भाई, गजक गजक गजक। ये देखो भाई ये, अरे और खाइए इधर जोशी मठ और कम सुना है तुमने? कल पेशवा महादेव? ना ना मैंने सुना तो नहीं है, मतलब दोस्तों केदार में एक केदार है। अच्छा कल पेशवर ना, ठीक है जी जी। और आप आएगा वहाँ पे अगले बार, अगर टाइम मिलेगा तो पक्का आना। जी जी बिल्कुल, खुला रहता है, कभी भी आना होगा तो संपर्क करना मेरे से, ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वहाँ आप स्टे कर सकते हैं, कुछ है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था कर देंगे। जी और आज बद्रीनारायण के दर्शन करके कैसा लगा? यार हम तो 6 महीने से इधर ही हैं, मतलब 6 महीने से इधर ही हो? 6 महीने हो गए हैं बाबा की शरण में ही हूँ, और 4-5 साल यहाँ पे काम किए हो गए प्रोफेशनल फोटोग्राफरों में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं भाई जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप जब भी आए, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगले साल भी आए, बार बार आप यहाँ पे आए, अपना ब्लॉगिंग वगैरह भी करते रहे और हम भाई लोगों को भी निकालते रहे। नारायण 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 नारायण। तो अभी जैसे कि मुझे मेरे भाई का जो क्लासमेट है वो मिला, तो आज से बद्रीनारायण के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, पहली बार आए हैं, बिल्कुल सुंदर नजारा है यहाँ का, बिल्कुल नीचे के पास है, भगवान जी को नीचे ही पसंद है, अपना बिल्कुल सामने ही पाया, मतलब मंदिर के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो बद्रीनारायण के दर्शन करके काफी अच्छा लगा मुझे भी, तो जय बद्रीसाल जय बद्रीसाल। बद्रीनारायण के शरण में रहते हमेशा, कैसा लगता है आपको? मेरा आनंद आता है, मेरा नारायण का शक्ति मिलती है मुझे, बद्रीनारायण शक्ति मिलती है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार जय बद्रीसाल। जय बद्री विशाल, पुलो पुलो खुशहाली रहो बिटिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे कि कल 3:30 बजे बद्रीनारायण के कपाट बंद जाएंगे, और जैसे कि अभी जैसे 8-8:30 बजे के आसपास का टाइम है और -1 डिग्री टेम्परेचर है, और जैसे कि सुनने में आया कि कल रात को 2 या 3 बजे के आसपास -3 या -4 के आसपास टेम्परेचर हो जाएगा, और जैसे उसका फल होगा आज बारह पाएगा, सुबह में कल से कम 3 बजे से चालू बर्फ चालू होता है नारायण कि नीचे केदार बाबा भोलेनाथ है, उन्होंने उनका पट बंद किया है, कभी भी बर्फ आया है। अच्छा, बहुत टाइम पर बर्फ आया, ये पूरा इतना भर गया, वो सफाई भी हमने की है, और कल भी आएगा, कल भी हम सफाई करेंगे। अच्छा, तो मतलब आज भी रात को बर्फ पड़ेगा? हाँ, बर्फ पर कल पड़ेगा ही पड़ेगा, नारायण की चांसेस बहुत पड़ेगा बराबर। दोस्तों जैसे कि हमने मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, और जैसे मेरे साथ भाई लोग हैं, तो भाई लोगों से पूछेंगे मंदिर के दर्शन करके कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा विष्णु भगवान जी के दर्शन करके, और मैं चौथी बार आ रहा हूँ यहाँ जिंदगी में, और मेरा परसों ही प्लान बना और मैंने बस की टिकट कटाई और मैं तुरंत आ गया, और यहाँ मैं आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ लक्ष्मी जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है, घाटू श्याम जी का भी मंदिर है, शंकराचार्य जी का मंदिर है, और यहाँ विष्णु भगवान जी का अहम मंदिर तो है ही है। जो नहीं आए हैं वो दर्शन कर लें आपके चैनल के माध्यम से, नहीं तो वो जरूर आए। और कल कपाट बंद होने वाले हैं, तो अगले साल आने की संभावना रखें। जय घाटू श्याम, जय बद्रीसाल, जय बद्री विशाल। तो जैसे ही बद्रीनारायण के दर्शन करने काफी अच्छा लगा, और जैसे ही बद्रीनाथ में पहली बार आया था, और आई होप आपने भी बद्रीनारायण के दर्शन कर लिए होंगे। दोस्तों अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी अच्छी वीडियोस अपलोड ले जाता हूँ आपके पास कन्फर्मेशन पहुँच पाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।